class. Welcome to Bharat Vikas Convent School. I am Smriti Pragya and I am your English literature teacher. Okay. Now take your English literature book and the page number is 12. So student, in our previous classes, we read a poem or we know about I am practically perfect, a poem, and discuss this meaning. Okay. In our today class, we discuss the question answer of this chapter. So student, let's see, open your page number 12 and the question number is confession A. Okay. The question is, think the words that the poet used to describe himself. जो उस बॉय के लिए जो पोएट यूज किए हैं, डिस्क्राइब किए हैं वर्ड, उसको आपको टिक करना है. ठीक है, फर्स्ट देखिए, फनी है, यहाँ पे फनी है आपके ये में पोएम में, और क्या है, हम्बल वर्ड है, और क्या है, केयरिंग वर्ड है. ठीक है, देखिए फर्स्ट में फनी है, सेकंड में हम्बल है, और क्या है, चार्मिंग, थर्ड में है चार्मिंग. Now come to your B. Answer the question given the below your in your own words. Okay. आपके हिसाब से जो आंसर ठीक होना चाहिए उसको आपको लिखना है. First number. How does the poet describe his heart? His heart is how he is friendly in nature and caring and generous heart. Okay. The second number is what does the poet do at school? Poet बोल रहे हैं वो school में क्या करता है? He listen to what the teacher says. उनका teacher जो बोलते थे वो school में ऐसे ही follow करता था. ठीक है? The third one is describe poets. First यह है cloth. हम लोग क्या पढ़े थे उसके perfectly के बारे में, उसका cloth कैसे होता है? Tidy होता है. उसका hair just right होता है. उसका teeth are straight and sign. Okay? पहला है tidy. उसका जो ड्रेस है क्लीन टाइडी होता है, उसका हेयर जस्ट राइट, एंड उसका टीथ कैसे है, स्ट्रेट एंड साइन. ओके, नाउ कम टू सी, रीड द लाइंस गिवन बिलो दैट आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. फर्स्ट वन, आई एम प्रैक्टिकली परफेक्ट इन एवरी रेस्पेक्ट. इन द सेंस, व्हाई डज द पोएट से द अबव लाइंस? वो हर जगह में परफेक्टली कैसे, मतलब प्रैक्टिकली परफेक्ट कैसे है, ये पूछ रहे हैं पोएट क्या है. तो क्या है उसका आंसर है, कॉज ही इज परफेक्ट फॉर एवरीथिंग. इन द सेंस, वो हर चीज में परफेक्ट है. वो देखने में फनी है, सबके साथ फ्रेंडली है, जनरियस हार्ट है, देखने में चार्मिंग है, स्कूल में सारे टीचर्स के बात मानता है, उसका हेयर स्ट्रेट है, उसका क्लॉथ एकदम सा मतलब टाइडी होता है, आयरन होता है सब टाइम में, और उसका टीथ कैसे है, वाइट है और शाइनी ऑल्सो है, और क्या करता है, और वो सब चीज में परफेक्ट है. इसलिए पोएट बोले कि कॉज ही इज परफेक्ट फॉर एवरीथिंग, वो सारे चीज में परफेक्ट है. द सेकेंड वन इज, व्हाट डज द पोएट वांट टू एग्री विथ? वो बोल रहे थे पोएट कि क्या एग्री होंगे, वो ये एग्री होंगे, आई एम प्रैक्टिकली परफेक्ट, ये सब बोलेंगे, इसलिए ये एग्री करने के लिए बोले हैं. नाउ कम टू सेकेंड, व्हाट डिड द पोएट वांट टू मेंशन? पोएट क्या मेंशन किए हैं, व्हाट इज द परफेक्शन? इन द सेंस, एक पर्सन के लिए, एक बॉय के लिए क्या क्या परफेक्ट होना चाहिए, उस बारे में वो मेंशन करने के लिए बोल रहे हैं. द सेकेंड नंबर बी इज, How many times does the poet says I am practically perfect? It's how many times? It's 2 times. Okay. Now come to your vocabulary grammars. Okay. The page number 13A. First is respect. Respect का means क्या होता है? Perfect या humble. Okay. Second one is me. Me का मतलब क्या होता है? I और myself. Third number, heart. Heart का means क्या होता है? काइंड और जनरेशन. ठीक है, फोर्थ में क्या है? राइट इन द सेंस क्या होता है? करेक्ट. राइट इन द सेंस ठीक होना या करेक्ट होना. फाइव में क्या है? टेल इन द सेंस बताना. क्या बताना है? आपको बताना है, और क्या बताना है? ट्रू बताना है. ठीक है, नाउ कम टू लिसन एन ऑडियो एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपको एक ब्लैंक्स दिया है, उनको एप्रोप्रिएट करके या
में सुन लीजिए, ठीक है? Here is my handprint, okay? Five fingers in all. Outer side they are small, but the middle one is. देखिए यहाँ पे जो five उंगली है, middle one is the क्या है? Tall, okay? You will find them on windows. हम fingerprints को कैसे find कर सकते हैं windows में या फिर paper में, कुछ भी ऐसे करके हम लोग fingerprint अपना छोड़ सकते हैं. You can find them on wall. Windows में, wall में, इसको wall बोलते हैं ना, wall में, windows में हम लोग अपना fingerprint छोड़ सकते हैं, ठीक है? They will make a big mess. मतलब एक बड़ा सा छाप हो जाता है hand का, ठीक है? For something so small. अच्छा, सबके लिए वो छोटा होगा, लेकिन जहाँ पे हम लोग छाप छाड़ते हैं वो हमारे लिए बड़ा है, ठीक है? और क्या है, one day I will grow. In the sense, अभी आपका हैंड और फिंगर प्रिंट जैसे है, वो आगे जाके और बड़ा होगा ना, तो वो बोल रहे हैं one day I will grow, okay? And leave them no more. और क्या, वो जो लीव करेंगे उसके लिए कोई और मोर नहीं होगा, ठीक है? फिर बोल रहे हैं my handprint will be missed of that I am sure. मेरा फिंगर प्रिंट कहाँ पे मिस हो गया है ये मुझे लग रहा है. So here is one now that you can't wipe away. जो मैंने जहाँ पर fingerprints को डाला हुआ है उसको कभी wipe नहीं करना है, मतलब इनको पोछना नहीं है. My present to you, मतलब मैं present हूँ, इसका मतलब proof क्या है, मेरा fingerprint है. और क्या है, simply my handprints, क्या है, मेरा fingerprints ही मेरा proof है कि मैं यहाँ पर present हूँ, okay? So, ये हो गया आपका question answer discussion.